नमस्कार, स्वागत है आपका। जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। रात के 10 बजने वाले हैं, वक्त हो गया है खबर में दम है का। सबसे पहली खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के बाद जम्मू कश्मीर में बड़ा हादसा होते होते चला, यहां लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, डराने वाली ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के रामबन की है। देखिए कैसे पहाड़ का एक हिस्सा टूटता है और मलबे के साथ नीचे आता है। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, लेकिन धूल का गुबार तेजी से लोगों की तरफ बढ़ता है। जान बचाने के लिए लोग बदहवास भागते हैं। दरअसल रामबन के बनिहाल इलाके में बैटरी चश्मा के पास रास्ता बंद था, इसलिए कई लोग गाड़ियों से निकलकर नीचे उतर आए। तभी अचानक एक पहाड़ का हिस्सा नीचे गिर गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। इस घटना में अगर लोगों द्वारा सावधानी नहीं बरती जाती तो स्थिति और भयावह हो सकती है। लेकिन समय रहते लोगों ने सुरक्षा स्थल का रुख किया और अपनी जानें बचाई। लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे यातायात के लिए बंद कर दिया गया। चमोली में मची तबाही के बाद रेस्क्यू मिशन अभी तक जारी है और टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए टीम जी जान से जुटी है। इसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही के बाद तीसरे दिन भी रेस्क्यू जारी है। सबसे बड़ी मुश्किल तपोवन की टनल में आ रही है, जहां 30 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। सुरंग कीचड़ से भरी हुई है, ऐसे में अंदर जाने में काफी मुश्किलें हैं, लेकिन रेस्क्यू करने वाली टीम मिशन में जुटी है और ड्रोन की मदद से लोगों की तलाश की जा रही है। सुरंग में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए आईटीबीपी के जवानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जवान टनल में 180 मीटर भीतर तक पहुंच गए हैं, यहां से 90 डिग्री का टर्न भी है, फिर भी जवान डटकर स्थिति का मुकाबला कर रहे हैं। लापता लोगों की तलाश में स्निपर डॉग्स की भी मदद ली जा रही है। वहीं हेलीकॉप्टर के जरिए टनल की मैपिंग भी की जा रही है, ताकि भीतर फंसे लोगों तक पहुंचा जा सके। सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए मरीन कमांडो का दस्ता भी पहुंच चुका है। उत्तराखंड आपदा पर आज राज्यसभा में मौन रखा गया। उधर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इलाके का हवाई सर्वे किया और अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना। उत्तराखंड के चमोली आपदा पर आज गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा को संबोधित किया। आपदा में मारे गए लोगों को सदन में 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि भी दी गई। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। सीएम रावत ने जोशीमठ के आईटीबीपी अस्पताल जाकर आपदा में घायल हुए लोगों से मुलाकात भी की। इन लोगों को मलबे से रेस्क्यू कर निकाला गया था। इधर चमोली के तपोवन टनल में अभी भी 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है। टनल में आईटीबीपी, एसडीआरएफ और सेना की टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक टनल से निकाले गए लोग उस भयावह आपदा को याद कर सिहर उठते हैं। इस बीच उत्तराखंड के चमोली में आखिर तबाही का सैलाब आया कैसे, इसकी असल कहानी भी सामने आई। तबाही ग्लेशियर टूटने से नहीं बल्कि चट्टानों के खिसकने की वजह से आई। छब्बीस जनवरी को लाल किला हिंसा में फरार चल रहे आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। पुलिस रिमांड में सिद्धू ने कई खुलासे किए। पुलिस पूछताछ में दीप सिद्धू ने बताया कि वो किसी कट्टरपंथी संगठन का सदस्य नहीं है। दीप सिद्धू ने बताया कि उसे शक था कि पुलिस के साथ ट्रैक्टर रैली की बातचीत में किसान नरम हो रहे हैं, इसी वजह से उसने ये कदम उठाया। इससे पहले दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद उसे 30,000 कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दीप सिद्धू को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। दीप सिद्धू की कोर्ट में पेशी की खबर सबसे पहले जी हिंदुस्तान ने ही दर्शकों तक पहुंचाई थी। ये गाड़ी अर्टिगा है, अर्टिगा के व्हाइट कलर की गाड़ी में दीप सिद्धू इस वक्त 30,000 कोर्ट में पहुंचे हैं। लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक स्पेशल सेल दीप सिद्धू को लेकर लाल किला ले जाएगी, जहां 26 जनवरी की घटना का रिक्रिएशन किया जा सकता है। स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को चंडीगढ़ और अंबाला के बीच जीरकपुर से गिरफ्तार किया है। और चलिए ब्रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। यूपी के कासगंज से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस की टीम पर
माफियाओं ने हमला कर दिया है। यूपी के कासगंज में पुलिस की टीम पर हमला किया गया है। दारोगा गंभीर रूप से घायल हो रहा है और सिपाही लापता बताया जा रहा है। पुलिस की टीम को बंधक बनाकर यह हमला किया गया। छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ। शराब माफिया और उसके गुर्गों ने यह हमला किया है और इसी से जुड़ी जी हिंदुस्तान ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है इस वक्त की ये बड़ी खबर, किस तरह से बंधक बनाकर पुलिस पर हमला किया गया। तुषार श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। तुषार, और क्या जानकारी इस बड़ी खबर पर? बिल्कुल, देखिए कानपुर के शिरपुरा थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर एक बार फिर जैसे कासगंज के शिरपुरा थाना क्षेत्र का मामला है, यहाँ पर दरोगा और सिपाही को बंधक बनाकर बुरी तरह से पीटा गया है। ये एक वारंटी एक शराब माफिया को पकड़ने गए थे, वारंट लेकर वहां पर गए थे, जिसके बाद वहां पे कुछ बदमाशों ने इनको बंधक बनाया और उसके बाद इनको पीटा। दरोगा की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। जहां पर ये इनको पीटा गया वहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर खेतों में अर्धनग्न हालत में दरोगा अशोक पाए गए थे। जहां पर जब पुलिसकर्मी पहुंचे तो वहां पे वो लहूलुहान हालत में पड़े हुए, तो उनको पुलिस ने उठाया और वहां से कासगंज के अस्पताल में ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया है। वहीं जो सिपाही है देवेंद्र शिवपुरा थाना का, उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है, वो गायब है। लेकिन एक बार फिर कानपुर के बिकरू कांड जैसी ये पुनरावृत्ति हुई है। पुलिस टीम के ऊपर हमला किया गया है, शराब माफियाओं ने हमला किया है। हालांकि पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है, जारी की है कि कौन कौन लोग थे, किसने इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि इतनी बड़ी वारदात हुई है। और तुषार, ये बताइए कि पुलिस की जिस टीम पर हमला हुआ है उस टीम में कितने लोग थे और एग्जैक्टली ये हुआ कहाँ पर, ये शराब माफियाओं की मंशा क्या थी, किस इरादे के साथ हमला किया गया? बिल्कुल, देखिए पुलिस के दो लोग गए थे, एक दरोगा बीट के चौकी इंचार्ज थे और सिपाही थे। ये दोनों लोग वारंटी को पकड़ने गए थे, वारंट लेकर गए थे, शराब माफिया के ऊपर मुकदमा दर्ज था और उस पे वारंट जारी था, उसी वारंट को ये शामिल कराने गए थे जहां पर शराब माफिया ने इनके ऊपर हमला किया। इनको पहले अपने घर के घर में बंधक बनाया और उसके बाद उन्हें बुरी तरह से पीटा। सिपाही देवेंद्र का अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन जो दरोगा के अशोक, उनको 1.5 किलोमीटर दूर जहां पे शेरपुरा के जिस गांव में इनको पीटा गया वहां से 1.5 किलोमीटर दूर एक खेतों में इनको अर्धनग्न हालत में इनकी लहूलुहान स्थिति में ये पाए गए थे, जहां पे इनको मेडिकल जहां पे इनको कासगंज के अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर वहां से इनको अलीगढ़ से मेडिकल अस्पताल मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। ये शाम की लगभग ये घटना है और उस समय से ये खेतों में पड़े हुए थे, जब कुछ लोग वहां से ग्रामीण गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा और उसके बाद 112 पर फोन किया। पुलिस की टीम फोर्स आई काफी तादाद में, तब उन अशोक को जो दरोगा थे इनको खोजा गया और उसके बाद इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन अभी तक जो सिपाही है देवेंद्र, उसका अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ गए। लेकिन प्रथम जो बयान मिला है उसमें ये साफ तौर पे था कि इनको बुरी तरह से मारा गया है, इनको अर्धनग्न करके इनको मारा गया है और उसके बाद इनको फेंका गया है, लेकिन सिपाही का अभी तक पता नहीं चल पाया है। और पुलिस तुषार अशोक जी जो घायल दरोगा है उनकी अभी स्थिति के बारे में आपके पास कोई जानकारी, कैसी उनकी तबीयत है? बिल्कुल, देखिए उनकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है, हालत बहुत ही नाजुक बनी हुई है और यही वजह है कि कासगंज के जो हॉस्पिटल है इनको अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है, क्योंकि इनको काफी बुरी तरह से मारा गया है, लाठी डंडों ईंट पत्थरों से इनके ऊपर हमला किया गया है, इस वजह से इनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। इनको इन्होंने जब इनको पुलिस ने पकड़ा तो एक बार इन्होंने बस बोला कि इन्हें बंधक बना के पीटा गया है, लेकिन जो स्थिति देखने में लग रही है वो साफ है कि इनको बहुत ही बुरी तरह से इनको मारा गया है और सिपाही को भी बंधक बनाया गया था। सिपाही का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया कि आखिर में तो वो सिपाही देवेंद्र अभी भी लापता है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है और जो दरोगा है अशोक वो अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। तुषार बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, नजर आप बनाए रखिए, लौटेंगे और अपडेट्स के लिए। बढ़ेंगे आगे और रुक करेंगे अगली खबर का। अमित शाह पर शांति निकेतन में टैगोर की कुर्सी पर बैठने का कांग्रेस ने आरोप लगाया, तो आज संसद में शाह ने पूरे सबूत के साथ उन्होंने अपनी सफाई देते हुए ये भी दिखाया कि टैगोर की कुर्सी पर वो नहीं बल्कि कभी नेहरू और राजीव गांधी बैठे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने शांति निकेतन में रविन्द्र नाथ टैगोर की कुर्सी पर बैठने के कांग्रेस के आरोप पर आज पलटवार किया।
लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के आरोप पर जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि वो रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर नहीं बैठे थे। मैं तो नहीं बैठा वो कुर्सी में, मगर मेरे पास दो फोटोग्राफ निकले हैं, श्री जवाहरलाल नेहरू जी उस कुर्सी में बैठे हैं जहाँ पर टैगोर बैठा था, ये रिकॉर्ड पर है फोटोग्राफ। और दूसरा फोटो है श्री राजीव गांधी का, वो टैगोर साहब के सोफे में बैठकर आराम से चाय पी रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने अपने भाषण के दौरान गृह मंत्री पर शांति निकेतन में गुरुदेव टैगोर की कुर्सी पर बैठने का आरोप लगाया था। गृह मंत्री ने शांति निकेतन के उप कुलपति की भेजी हुई स्पष्टीकरण और फोटो को सदन के पटल पर रखा। शाह ने एक तस्वीर दिखाई जिसमें राजीव गांधी टैगोर के सोफे पर बैठकर चाय पीते दिखाई पड़ते हैं। बंगाल में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। जेपी नड्डा ने परिवर्तन यात्रा की तो वहीं ममता ने भी 3 रैली की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पश्चिम बंगाल के वीरभूम और झारग्राम से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने तारपीठ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। वीरभूम के बाद जेपी नड्डा झारग्राम गए और ममता बनर्जी और टीएमसी को घेरा। उन्होंने कहा कि ममता के नेतृत्व में बंगाल की संस्कृति खतरे में है। आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर, प्रति वर्ष यहाँ लगभग 4 करोड़ 67 लाख लोगों को देने की व्यवस्था की गई थी। 4 करोड़ 67 लाख ममता जी ने आने नहीं दिया, आयुष्मान भारत लागू नहीं करने दिया। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज वर्धमान में रैली भी की। ममता ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र को घेरते हुए कहा कि मोदी सरकार किसानों को लूट लेगी और उनकी जमीन भी छीन लेगी। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर किसानों को पैसा नहीं देने का भी आरोप लगाया। बिहार की नीतीश सरकार का मंगलवार को मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। इस बार बीजेपी और जेडीयू को जगह मिली। शाहनवाज हुसैन को उद्योग विभाग दिया गया। बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब विभागों का बंटवारा भी हो गया है। शाहनवाज हुसैन को उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, संजय झा को जल संसाधन और सूचना जनसंपर्क, तो वहीं सम्राट चौधरी को पंचायती राज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास, मदन सहनी को समाज कल्याण, प्रमोद कुमार को गन्ना उद्योग मंत्रालय सौंपा गया है। प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने जिस मकसद के तहत हमें बिहार में भेजा है उसको हम पूरी तरह करते रहेंगे और बिहार को नरेंद्र मोदी के सपनों का बिहार और बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैसे तरक्की करे इसके लिए काम करते रहे। बीजेपी कोटे से 9 मंत्री बनाए गए जबकि जेडीयू कोटे से 8 मंत्रियों में सुनील कुमार, श्रवण कुमार, लेसी सिंह, मदन सहनी, संजय झा, नीरज कुमार, जमा खान, सुमित सिंह और जयंत राज शामिल हैं। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया है। प्रदर्शन रोकने के लिए म्यांमार में सेना ने 2 बड़े शहरों में कर्फ्यू लगा दिया है। 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। तस्वीरें म्यांमार की राजधानी की है जहां पुलिस प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। वहीं प्रदर्शनकारी सेना पर पत्थर बरसा रही है। पुलिस ने कई इलाके में बड़े समारोह, लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कर्फ्यू है। लेकिन इस भीड़ ने ऐसी तमाम पाबंदियों को मानने से इनकार कर दिया है। हाथों में बैनर लिए लोगों की ये भीड़ तख्ता पलट के विरोध में पिछले 4 दिन से प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शनकारी सैन्य शासन के विरोध में नारेबाजी भी कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार इन लोगों को यहां से हटाने की चेतावनी दी गई। ये कहा गया कि प्रदर्शनकारी सड़कें खाली कर दे वरना उन पर बल प्रयोग किया जाएगा। पुलिस ने रोड बंद कर दी, कर्फ्यू लगाया गया ताकि दशकों में हुए इस सबसे बड़े प्रदर्शन को रोका जा सके। बावजूद इसके तख्ता पलट विरोधी प्रदर्शनकारी म्यांमार के सबसे बड़े शहर युंगूर की सड़कों पर इकट्ठा हुए हैं। खेल मंत्री किरण रिजिजू सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने फिटनेस चैलेंज भी दिया है। एक नए वीडियो में रिजिजू सैनिकों के लिए गाना गा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का ये अलग अंदाज है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू न सिर्फ भारतीय सेना के जवानों के बीच पहुंचे बल्कि उनके लिए गाना भी गाया।
किरण रिजिजू ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से ये वीडियो शेयर किया है। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री सीमा पर चल रहे विकास कार्यों को देखने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना के बीच भी वक्त बिताया। इस दौरान किरण रिजिजू ने भारतीय सेना के जवानों के लिए गाना भी गाया। किरण रिजिजू ने कहा कि वो सिंगर नहीं है, लेकिन देश के जवानों के लिए गाना जरूर गाएंगे। सोशल मीडिया पर लोग किरण रिजिजू के भारतीय सेना के लिए जज्बे और उनकी आवाज दोनों की ही तारीफ कर रहे हैं। मुंबई में हाई प्रोफाइल पोर्नोग्राफी रैकेट को चौंकाने वाला इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आया है। इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। पता चला है कि ऐप्स के जरिए अब तक 90 से ज्यादा पोर्न वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। मुंबई में बेनकाब हुए पोर्न फिल्म रैकेट के तार विदेश से जुड़ते नजर आ रहे हैं। क्राइम ब्रांच को पता लगा है कि इस मामले में गिरफ्तार उमेश मेहता वीडियो अपलोड करने के लिए लंदन के आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करता था। वीडियो अलग अलग जगह पर भी बेचे जाते थे, जिसकी पेमेंट अमेरिका से भी की जाती थी। एक बार पोर्न मूवी शूट होने के बाद गहना वशिष उसे इंटरनेट पर अपलोड कराती थी। उस लिंक को विदेश में बैठे अपलोडर को भी भेजा जाता था। विदेश में बैठकर उमेश मेहता इस वीडियो को सर्कुलेट करता था और वीडियो देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के तौर पर पैसे कमाता था। पोर्न रैकेट चलाने वाले इस गिरोह ने अब तक 90 से ज्यादा वीडियो सर्कुलेट किए हैं। इस मामले में अब तक कुल 8 लोगों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तमिलनाडु में हाथियों के मनोरंजन का एक अनोखा कैंप लगाया गया है, जहां फूड कोर्ट भी है और हाथियों के पसंद का खास ख्याल भी रखा जाता है। तमिलनाडु में कोयंबटूर के मंदिरों में हाथियों के लिए हर साल होने वाले कैंप की शुरुआत हुई। खास तरह के इस कैंप में इस साल 26 हाथी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें से 23 हाथी तमिलनाडु और पुडुचेरी के मठों के हैं। अगले 48 दिनों तक इन हाथियों की विशेष देखरेख की जाएगी। इन हाथियों की देखभाल के लिए खास तरह के शेल्टर बनाए गए हैं, वॉकिंग ट्रैक बनाए गए हैं, हाथियों के नहाने के लिए खास इंतजाम है और इनके लिए फूड कोर्ट भी बनाया गया है, जहां हाथियों को गन्नों के साथ उनकी पसंद का खाना खिलाया जाता है। तमिलनाडु सरकार ने इसके लिए 1,67,00,000 रुपए का बजट भी रखा है। इन हाथियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए 24 घंटे डॉक्टर इन पर नजर रखते हैं। हर साल इस तरह के कैंप का आयोजन किया जाता है, जहां हाथियों का मनोरंजन किया जाता है। इस कैंप की शुरुआत पूर्व सीएम जयललिता ने की थी। बड़ी खबर यूपी के कासगंज से, जहां सिपाही की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। कासगंज में सिपाही की पीट पीट कर हत्या, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दारोगा गंभीर रूप से घायल और सिपाही की हत्या कर दी गई है। छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया था। सिपाही देवेंद्र की हत्या हो चुकी है। दारोगा अशोक गोयल अभी भी उनकी जो तबीयत है वो गंभीर बनी हुई है। शराब माफिया और उसके गुर्गों ने हमला किया था पुलिस की टीम पर, बंधक बनाकर पुलिस पर हमला किया गया था। कासगंज की ये तस्वीरें और कासगंज से इस वक्त की बड़ी खबर, जी हिंदुस्तान की एक्सक्लूसिव खबर आप देखिए। तस्वीरों के साथ बताया जा रहा है कि छापेमारी करने के लिए पहुंची थी पुलिस की टीम, जिस पर हमला किया गया। तुषार एक बार फिर जुड़ गए। तुषार, खबर मिल रही है कि सिपाही देवेंद्र की हत्या कर दी गई है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये शेरपुरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। वहां पर ये एक हिस्ट्रीशीटर को पकड़ने ये लोग गए थे, जहां पर इनके ऊपर इनको बंधक बना लिया गया है। ये पूरा नंगला धीमर गांव है, यहाँ पे ये हिस्ट्रीशीटर ने पहले अपने गुर्गों के साथ बैठा हुआ था और वहां पे दरोगा अशोक और सिपाही देवेंद्र को इसने बंधक बनाया और उसके बाद पीटा। पीटने के बाद अर्ध नग्न हालत में इनको मारा गया है और उसके बाद वहां से 1.5 किलोमीटर दूर एक खेत में इनको फेंक दिया गया था, जहां पे दरोगा को पुलिस ने जीवित रिकवर किया है। वहीं सिपाही की डेड बॉडी उस जगह से कुछ दूरी पे मिली है। अभी अभी पुलिस को ये दोपहर का पूरा ये घटनाक्रम है जहां पे ये हुआ है।
सिपाही की मौत हो चुकी है, वही दरोगा की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। तुषार बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई, आप नजर बनाए रखिए, आपसे और अपडेट्स के लिए संपर्क करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के बारामूला से, ये बड़ी खबर आ रही है जहां एक मकान में भीषण आग लग गई है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, बारामूला में मकान में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी आग। आग लगने के बाद गैस सिलेंडर भी फटा, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जी हिंदुस्तान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जी हिंदुस्तान। नमस्कार।